अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सूरह रात एक 13वां नंबर वाली ये सूरत और इसका माना यानी वो सूरा जिसके अंदर रात का जिक्र आया है, यानी कि बिजली या बिजली की कड़क। और इस सूरह के अंदर ख़ास तौर से एम्फसाइज किया गया है आलाउल्लाह, तवज्जो देकर समझाया गया है आलाउल्लाह यानि अल्लाह सुबहानहु ताला की वो नेमतें और वो अल्लाह सुबहानहु ताला की तरफ से दी गई सारी नेमतें जो कायनात में आपको नज़र आती हैं, आफाक में, अनफुस में, कायनात में या अपने जानों के अंदर, और ज़ाहरी तौर पे जो मुशाहदे के तौर पर समझ में आती हैं। गुज़िश्ता सूरतों में तारीख़ी दलाइल दे दे कर समझाया गया है, चाहे वो सूरह हूद का मामला हो, चाहे सूरह यूसुफ का मामला है, और उससे पहले सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ में। लेकिन यहाँ से आप गौर करेंगे इस सूरह के अंदर कायनात की निशानियों पर गौर करते हुए कुफ्फारे कुरैश को समझाया जा रहा है कि कायनात की निशानियों पर गौर करो कि आखिर इनका पैदा करने वाला कोई तो होगा। इससे पहले अमरुल कैस ने घोड़ों के बस बयान किए और मुअल्लक़ात के अंदर घोड़ों के बस बयान करते हुए कायनात का, पहाड़ों का, बादलों का, खेतों का, खंडरात का बस बयान करते थकते ना थे, लेकिन इन सब चीज़ों को बनाने वाला कौन है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो आज भी हम देखते हैं कि न्यूटन ने लोगों को गिरते हुए सेब के ज़रिए से ग्रेविटी को तो मनवा दिया है, लेकिन नादिक ये कायनात के ज़रिए से नादिकने वाले अल्लाह सुबहानहु व तआला यानि खालिक तक पहुँचने में कासिर रहा, खालिक का तारुफ हासिल करने में कासिर रहा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस वक्त पर होता है जब इल्म नबूवत से आदमी गाफिल होकर अपने अकल वाले इल्म को ही बड़ा समझने लगता है, यानी कि मखलूकात के ज़रिए से खालिक का तारुफ हासिल करना ये तकमील इल्म का नतीजा था। तो सूरह रात में ऐसे ही मज़ाहिर कायनात को रख रख कर समझाया गया है कि बग़ैर आमदिन तरोना, देखो आसमान इसका कोई सुतून नहीं है, इसका मतलब कोई इसका बनाने वाला जो बड़ा कहार है और बहुत ज़बरदस्त है वो रब्बुल आलमीन है, ना सिर्फ कायनात के खालिक होने का पता है था बल्कि ये भी पता देता है कि वो खालिक बड़ा ज़बरदस्त है। और इसी तरीके से फिल और क़िताम मुताजावरात, ज़मीन के अंदर के जो परतें हैं और इसी तरह इसके जो लेयर्स हैं, इसके अंदर आप गौर करके देखें तो आपको यही ज़मीन से जो है अलग अलग रंग के और अलग अलग मज़े के मेवे और तरकारियाँ निकलती हैं, जिसका भी मायम वाहिद। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पानी तो फिर एक ही है, ऐसा नहीं कि लाल पानी या हरा पानी या मीठा पानी या खारा पानी। आप देखते हैं कि मज़े अलग होते हैं, आम का मज़ा अलग है, जाम का मज़ा अलग है, लेकिन जिसका भी मायम वाहिद और नुफद्दिलु बादहा अला बादिन फिल उकुल, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक के अंदर जो मज़ा आता है आपको दूसरे में वो मज़ा नहीं आता है। तो कायनात पर गौर करने पर उभारा जा रहा है। तो सूरह रात के अंदर नज़र आने वाली चीज़ों को बार बार बुनियाद बनाया गया। इसके अंदर कुरान मजीद का पौर बताया गया है सूरह के अंदर कि वलो अन्न कुरान सुय्यरत बिहिल जिबालो कुत्तियत बिहिल अर्दो कुल्लिम बिहिल मौता, कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला चाहते तो ऐसा पौर भी बता सकते कि कुरान लेकर इशारा करे तो पहाड़ चलने लगते और जो है मुर्दार उठने लगते, लेकिन अल्लाह सुबहान व ताला ने सारी चीज़ें नहीं बताई, वरना फिर एग्ज़ाम क्या होता? एग्ज़ाम तो यही है कि अल्लाह सुबहान व ताला को बंदे जो अल्लज़ीना युमिनून बिलगैब, कि वो गैब की बुनियाद पर ईमान लाए। ऐसे सारे चीज़ देखने के बाद तो कोई भी ईमान लाएगा तो उस ईमान की क्या हैसियत है? उस ईमान की हैसियत है जो गैब के बावजूद बड़ा कवी ईमान होता है। इस सूरह के अंदर अगर आप गौर करके देखेंगे तो जगह जगह पर अल्लाह ताला ने मिसालें दे देकर समझाया, शिर्क पर ज़र पड़ती है और जो आखिरत का इनकार करते हैं उनको कहा कि जब ये पौधे आ सकते हैं मरी हुई ज़मीन के बाद लहलहाती सब्जी आ सकती है तो अरे इंसान तू क्यों नहीं आ सकता, इस अंदाज़ में भी इसके अंदर समझाया गया है। जन्नत की जो नहरें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नहरों का भी इसके अंदर जिक्र मिलता है, और जन्नत किस तरीके से होगी, जहन्नम किस तरीके से होगी, उसका एक छोटे छोटे पैमाने पर इसके अंदर एक तारुफ भी करवाया गया, एक आसान अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में तारुफ भी करवा दिया गया, वो भी मिलेगा इसके अंदर। नफ़ा पहुँचाने वाला इंसान और नुकसान पहुँचाने वाला इंसान, अल्लाह ताला ज़मीन पर कैसे उसको थमा देते हैं जो नफ़ा पहुँचाता है, जो नुकसान पहुँचाता है कैसे खसो खाशाक की तरह उसको जो है एक पानी पर
बुलबुलों की तरह उसको खत्म कर देते, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। ये सारी मिसालें सूरह रात के अंदर बता दी गई, यानी कि मतलब है कि अल्लाह की नियमतों का शुक्र अदा करो, उस पर गौर व फिक्र करके खालिक का तारुफ हासिल करो। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहान व तआला हमें इन सारी सूरतों से असबाक और हिदायत लेने तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन। الدَّعْوَةُ نُورٌ وَضَاءٌ تَجْلُو ظُلُمَاتِ الْحَيْرَانِ مَنْهَجُ خَيْرِ النَّاسِ جَمِيعًا لَا يَبْلَى عَبْرَ الْأَزْمَانِ الدَّعْوَةُ نُورٌ وَضَاءٌ تَجْلُو ظُلُمَاتِ الْحَيْرَانِ